हम आपको बताने वाले हैं कि नेल फंगस क्या है, इससे बचने के कौन कौन से टिप्स हैं और फंगस को दूर करने के लिए आप लहसुन के कौन से अचूक नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नेल फंगस होता क्या है। नेल फंगस नाखूनों का इन्फेक्शन या फिर नाखून रोग एक सामान्य संक्रमण है जो हाथों की उंगलियों में और अंगूठों में होता है। इस संक्रमण के कारण आपके नाखून रंगहीन व मोटे हो जाते हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ये फंगस उंगलियों के नाखून से ज्यादा अंगूठे के नाखून में देखा जाता है। साइंस की भाषा में इस संक्रमण को ओनिकोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। नेल फंगस के लक्षण क्या क्या हैं? नाखूनों के रंग में बदलाव होना, पीला, भूरा या सफेद होना, नाखून का मोटा होना, नाखून का टूटना या उसमें दरारें पड़ना, नाखून का कड़क होना, नाखून के आकार में बदलाव, नाखून के किनारों का टूटना, नाखून के अंदर किसी पदार्थ का फंसना, नाखून का ढीला होना या ऊपर उठना, नाखून के प्राकृतिक चमक का खोना, नाखून के किनारे सफेद या पीले रंग की धारियों का बनना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ अचूक घरेलू उपाय जिनसे आप इस नेल फंगस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन की रेमेडी बताने से पहले आपको सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि लहसुन में क्या खास बात है और ये कैसे काम करता है। लहसुन में कम कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ आपको साइनस की परेशानी से दूर रखता है। लहसुन एंटी माइक्रोबल और एंटी फंगल होता है। फंगस में मौजूद हानिकारक रोगाणुओं में से एक टीनिया पेडिस भी है। लहसुन में मौजूद एलिसन इस रोगाणु से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, इसलिए लहसुन से नाखूनों का संक्रमण ठीक किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटी फंगल गुण बैक्टीरिया को दोबारा पनपने नहीं देते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको आज ऐसे चार अमेजिंग रेमेडीज जिनका प्रयोग करके आप नेल इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली रेमेडी को, जिसके लिए हमें लेना है 5 से 6 कली लहसुन की। इन्हें छील लें। अब इन्हें बारीक कद्दूकस कर लें। आपको जितना इन्फेक्शन है उतनी ही आपको रेमेडी तैयार करनी है, यानी अगर आपको एक से ज़्यादा फिंगर्स में इन्फेक्शन है तो ज़्यादा मात्रा में लहसुन की कलियाँ ले लें और उन्हें कद्दूकस कर लें। हमने लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर लिया है। लहसुन को कद्दूकस करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका। ये वाइट सिरका है, नॉर्मल सिरका, ये किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपकी रेमेडी रेडी है। अब आपने इसे लगाना कैसे है, लगाने का तरीका बताते हैं आपको। आपने लेना है एक छोटा टुकड़ा फाउल पेपर का या फिर आप क्लिंग रैप भी यूज कर सकते हैं। पतली पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फ्रूट सैलेड को कवर करके रखा जाता है। अब आपने इस पर इस रेमेडी की 1 चम्मच रखनी है और इसे अपने इफेक्टेड फिंगर पर अच्छे से रैप कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। मैं आपको दोनों तरीके इस्तेमाल करना बता रही हूँ, फाउल पेपर से भी और क्लिंग रैप से भी। आप दोनों में से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ ना हो तो आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक कॉटन का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर इस रेमेडी को रखिए और अपने फिंगर पर कवर कर लीजिए। अब आपने इसे अपनी फिंगर पर 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट बाद आपने इसे उतार देना है और साफ पानी से अपने फिंगर को वॉश कर लेना है। रोजाना इसका इस्तेमाल करें। रोजाना ऐसा करने पर 1 हफ्ते में ही आपके फिंगर, आपका नेल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी आसान तरीका है और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं अपनी सेकंड रेमेडी। इसके लिए हमें फिर से लेनी है 5 से 6 कली लहसुन की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है, ज़्यादा फिंगर्स में इन्फेक्शन है, तो आप अपनी रेमेडी की क्वांटिटी उसी हिसाब से तैयार करें। लहसुन को कद्दूकस करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ठीक उसी तरह इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पहली रेमेडी में किया था, यानी कि हम फाउल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लिंग रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को हमने 1 चम्मच
फाउल पेपर पर या फिर पतली पन्नी पर लेना है। इसे अपनी फिंगर पर अच्छे से रैप कर लेना है और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। कॉटन पर इसे लगाकर आप अपनी फिंगर पर इसे लपेट लीजिए। 20 मिनट बाद आपने इसे अपनी फिंगर से उतार देना है और नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। रोजाना इसका प्रयोग करें, आपका नेल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा और 1 वीक में तो आपका इन्फेक्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी इफेक्टिव रेमेडीज हैं, इनको जरूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए आते हैं अपनी चौथी रेमेडी पर। इस रेमेडी में हम फिर से लेंगे 5 से 6 कली लहसुन की और उन्हें बारीक कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने फिर से लेना है फाउल पेपर या फिर क्लिंग रैप। इस पर आपने रखना है इस रेमेडी को और उसे अपने इफेक्टेड फिंगर पर लगा लेना है। अच्छे से रैप करके 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट बाद आपने इसे उतार कर अपनी फिंगर को वॉश कर लेना है। रोजाना इसका प्रयोग करें, 1 हफ्ते में ही आपको काफ़ी आराम महसूस होने लगेगा। ये चारों ही रेमेडी बहुत ही असरदार हैं। आप इनमें से किसी भी एक रेमेडी का रोजाना प्रयोग करें, आपका नेल फंगस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।